के जोड़ देखो दोस्तों, टर्बो है ट्रैक्टर में। और भाई ये देख लो, बिल्कुल दोनों लीवर बिल्कुल नीचे के रखे दोस्तों, पांच वाली का हाल है। मिट्टी पलटने वाला है, देख लो। इसका हमने जो, अगर हम इसकी टेन सीधी रखते तो उससे हमारे ट्रैक्टर पे लोड ज्यादा पड़ता। तो हमारे हरजीत भाई हैं जो एक्सान टेक्निकल वाले, और हमारे कैंडी भाई हैं, उन्होंने बहुत इस पे माइंड यूज किया और बहुत इस पे डिजाइन, उन्होंने मैक्सिमम डिजाइन उनका है जी जी, उन्होंने मिलके डिजाइन कराया है। तो नमस्कार दोस्तों। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है, न्यू होलैंड ट्रैक्टर है दोस्तों 5620। तो जी टर्बो ट्रैक्टर है दोस्तों, फोर व्हील ड्राइव में। तो भाई नया ही ट्रैक्टर है, और जी इस पर चलने लग रहा है भाई हल, क्रॉप किंग का हल है दोस्तों, पांच फाली का। ये देख लो भाई, तीन तो पीछे हैं इसमें और दो हैं आगे। और भाई टाइन भी देखो कितनी बड़ी बड़ी है इसमें। तो बाकी इसके बारे में भैया से भाई पूरी जानकारी लेंगे, और भाई ट्रैक्टर के बारे में भी। तो दोस्तों जो भाई चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो भाई सबसे पहले एक बार अगर मैं ट्रैक्टर के टायरों की बात करूं, तो भाई इसमें जो पिछले टायर हैं 1630 के हैं, और जी अगले हैं 1124 के। और भाई हाइट भी देखो भाई ट्रैक्टर की काफ़ी लंबी है, और भाई आगे वेट भी लगवा रखे भैया ने, और बम्फर भी है। तो भाई ट्रैक्टर की लुक भी काफ़ी स्मूथ लग रही है, और भाई पीछे वेट भी है। तो भैया से बात करेंगे अब। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुरमीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ भाई के चैनल पे। तो आज हम भाई हमारे पास आए थे, तो इन्हें हम नॉलेज दे रहे हैं। ये चिजलर है, ये 510 का चिजलर है। तो जैसे कि सभी आजकल खेती पे लोगों का ध्यान कम हो गया, ज़्यादातर हम डिपेंड रोटावेटर पे हो गए हैं। तो रोटावेटर जैसे हम खेतों में करते हैं, तो रोटावेटर की गहराई वही 4-5 इंच तक जाती है। तो उसमें क्या नीचे ना एक तह बन जाती है, जिसमें हमारी ज़मीनें पानी सोखती नहीं है। और जैसे हम सब्जियों की खेती करते हैं और गेहूं की खेती करते हैं, जैसे एक भी बारिश होने पे वो दब जाती है हमारी खेती। तो ये उसके लिए हमने कुछ अपनी हमारी रिकमेंड थी, इसमें हमने ये इम्प्लीमेंट बनवाया है। इसे हम चिजलर भी कह सकते हैं, सब सोइलर भी कह सकते हैं, और जैसे कि इसे देसी भाषा में कहते हैं तह तोड़, कि जैसे लेंटर बन जाता है ज़मीन का, तो ये गहराई लेके तह तोड़ता है ज़मीन की। आ जाओ हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में। भाइयों जो ये बनाया गया है, ये करनाल से है, क्रॉप किंग के द्वारा बनाया गया है। क्रॉप किंग की बैजिंग है भाई यहाँ पे। हाँ जी। और दूसरी बात, जो ये गहराई लेता है वो इसकी गहराई जाती है 25 से 28 इंच के आसपास, ये फुल गहराई ले लेता है। और जैसे कि ये हम फोर व्हील ट्रैक्टर पे चला रहे हैं, इस टाइम पे 65 HP का ट्रैक्टर है हमारा, फोर व्हील ड्राइव पे चल रहा है। अगर हम इसे टू व्हील पे चलाना चाहें, कुछ किसान भाई कहेंगे हमारे पास पैसे ही नहीं है, फोर व्हील ट्रैक्टर कहाँ से रहे, तो 50 HP तक के टू व्हील पे चलाना हो तो इसे हम 310 कर सकते हैं। एक ये बीच की टैन खोल देंगे, एक आगे की खोल के, और इसे यहाँ पे कर देंगे बीच में। तो ये 310 से बहुत इजीली 50 HP तक के नॉर्मल ट्रैक्टर जो हमारे किसान भाइयों के पास है उस पे चल जाता है, ये कोई फालतू लोड नहीं लेता। और दूसरी इसकी ये बात है कि ये ज़मीन की तह तोड़ता है। जैसे इसे हम गेहूँ बोनी है, इस खेत में हमने गेहूँ बोनी है, तो इसकी इसमें हम चला रहे हैं, जैसे बारिश होगी एक दो बारिश, बहुत ईजिली कोई नुकसान नहीं कर पाएगी हमारी फसल को। और जैसे ज़्यादातर लोग जो करते हैं अपना सब्जियों की खेती करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। और इसका मेन मतलब यही है कि ज़मीन को हम थोड़ा गहराई जोताई करें, जिसके कारण हमारी फसल दबे कम और हमारी फसल पानी से नुकसान से हम बच पाएँ। और ऐसा नहीं है कि इससे इतनी गहराई जुताई करने के बावजूद ये खेत ऊंचा नीचा करता है। आप खेत चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खेत में कोई ऐसा नहीं है कि ऊंचा नीचा हो, बिल्कुल एक लेवल तक खेत चलाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और तो जैसे भैया आपने मतलब यू लिया था, हाँ जी, सब सोइलर, तो मतलब ये अपने आप बनवाया था या कहीं से, मतलब बाहर से? अपनी रिकमेंड से बनवाया है, हमारे कुछ भाई हैं उन्होंने सब ने अपने इसकी मॉडिफिकेशन कुछ अपने तरीके से बनवाई है, अपने टैन का डिज़ाइन और जो जो कुछ हमारे माइंड ने काम किया कुछ तरीके से हमने डिज़ाइन किया इसे, कुछ क्रॉपिंग वालों ने किया, तो मिल बांट के हमने बनाया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, टाइम भी बहुत लगा था जी जी, क्योंकि इसका हमने जो, अगर हम इसकी टैन सीधी रखते तो उससे हमारे ट्रैक्टर पर लोड ज़्यादा पड़ता। तो हमारे हरजीत भाई हैं जो एक्सान टेक्निकल वाले, और हमारे कैंडी भाई हैं, उन्होंने बहुत इस पे माइंड यूज़ किया और बहुत इस पे डिज़ाइन, उन्होंने मैक्सिमम डिज़ाइन उनका है जी जी, उन्होंने मिल के डिज़ाइन कराया है। तो भाई दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो भाई हरजीत भैया हैं अपने, जय किसान टेक्निकल वाले,
भाई ये मान लो उनके मतलब उन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के भाई डिजाइन कराया हुआ है, और भाई बहुत ही हैवी चीज है, देख लो आप। इसका वेट की तो जी अगर थोड़े से वेट की बात करें तो जी कितना वेट होगा तकरीबन इसमें? अप्रोक्सीमेटली 6 क्विंटल वेट है, 600 केजी वेट है इसमें। जी जी हाँ। तो मान लो भाई 600 केजी के आसपास वेट है इसमें। और भाई एक बार मैं आपको ना खेत दिखा दूं थोड़ा सा, ये देख लो भाई कहीं पे भी मतलब कैमरे में दोस्तों इतना चमकने का नहीं, लेकिन फिर भी देख लो भाई मैं अपने हिसाब से बताऊं तो भाई बिल्कुल ना ये मान लो कि कोई ऊंचे नीचे वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बाकी भाई ट्रैक्टर है अपना भाई का ये 56-20। तो जी थोड़ी सी किसान भाइयों को आप ट्रैक्टर के बारे में ही बताओ इसके भाई। 56-20 फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है ये, 65 एचपी ट्रैक्टर है, टर्बो रोटर पंप ट्रैक्टर है। जी जी जो ये न्यूजीलैंड के ट्रैक्टर है इनकी ये खासियत है ये हब रिडक्शन में है, तो इनकी थोड़ी सी पुलिंग पावर अदर ट्रैक्टरों से ज्यादा है। जी जी खेत में भी ऐसे हैवी इम्प्लीमेंट पे ना इनकी पुलिंग पावर ज्यादा है, और इस वजह से हमें न्यूजीलैंड ज्यादा पसंद है। तो मतलब कब लिया था आपने ये? अभी हमें 1 साल हो गया इस ट्रैक्टर को लिए हुए। 1 साल हो गया। तो इसमें मतलब जैसे कि आपने न्यूजीलैंड चला रहे हो, तो जी मतलब आपने अदर कंपनी के ट्रैक्टर भी कभी मतलब? अदर कंपनी सारे चलाते हैं ऐसा कोई नहीं, महिंद्रा भी अच्छा है, ट्रैक्टर सभी अच्छे होते हैं, ट्रैक्टर सभी में अपने अपने गुण हैं। जी जी वो अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी कि हम उसे कौन सा पसंद है, बाकी ट्रैक्टर कोई बुरा नहीं है, हर एक ट्रैक्टर अच्छा है जो भी मार्केट में चल रहा है। जी जी तो जैसे मतलब वेट लगा रखे आपने कितने है जी वेट, या कितने कितने किलो की प्लेट है? 80 किलो की 3 प्लेट। तो ये 2 क्विंटल 40 किलो इधर हो गया, उधर हो गया 40 किलो उधर है। और सामने दिखा दो दोस्तों प्लेट एक बार में, सामने ये 40-40 30-30 किलो की प्लेट है, और भाई 6 प्लेट है तो 36-18 भाई 1 क्विंटल 80 किलो वजन प्लेटों को हो गया, और कम से कम बम्फर 1.5 क्विंटल का दोस्तों बम्फर है वो। तो जी अगर मान ले जैसे आपने वेट लगा रखे, अगर वेट ना हो ट्रैक्टर पे तो स्लिपिंग व्लिपिंग नहीं लेने का, जैसे स्पेसिफिक सोलर पे ब्लास्टिंग का जो अब हमारा ऐसा है ना, हम इस पे हैवी इंप्लीमेंट जोड़ते हैं, तो वेट ब्लास्टिंग जरूरी है ट्रैक्टर पे। जी जी हमें वेट ब्लास्टिंग करके ट्रैक्टर का बैलेंस बनाया हुआ है, उससे ट्रैक्टर अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा देता है। तो अदर कंडीशन में अगर इस पे वेट ना हो तो स्लिपेज ज्यादा देगा, ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा पूरी। नहीं जैसे बहुत से किसान भाई देखे हमने कि भाई वे 4x4 ट्रैक्टर ले तो लें, लेकिन ना तो उसमें वे आगे वेट लगाते हैं। जैसे आप सपोज करो महिंद्रा को ले लो, महिंद्रा 4x4 ट्रैक्टर दे अपने, लेकिन वे आगे ना तो वेट की प्लेटें देती है ना जी, पहियों में वेट देते हैं, और किसान क्या करते हैं उन्हें ला के ना बस यूं ही चलाने लगे खेत में, उनकी परफॉर्मेंस मतलब पॉलिसी होती है। जी ये किसान को अपने पास से भी कुछ यूज करना चाहिए माइंड की, फोर व्हील में तो वेट जरूरी है तभी ट्रैक्टर की ग्रिप बन पाएगी। फोर व्हील क्या टू व्हील में भी अप्रोक्सीमेटली वेट तो हर एक चीज में जरूरी है, हमें ट्रैक्टर को बैलेंस करने के लिए वेट जरूरी है। जी जी तो मतलब कौन से अब चलाओगे, कौन से गियर में चलाओगे आप इसे? हम पहले हाई में चला रहे थे, पहले हाई में मतलब लीवर नीचे गियर के थोड़ा कंट्रोल यूज करना पड़ता है क्योंकि इस खेत में जड़ है। अच्छा इसलिए हमें कंट्रोल, इसमें पहले पॉपुलर थे तो इसमें जड़ है तो हमें कंट्रोल यूज करना पड़ता है। हाँ क्योंकि इसकी गहराई थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, गहराई ज्यादा जाती है और जड़ में अड़ता है, और जो ड्राफ्ट लीवर है वो तो डाउन है, कंट्रोल लीवर थोड़ा अप रखना पड़ता है। वैसे दोनों लीवर छोड़ के बहुत ईजिली चला देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, ट्रैक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो जी जैसे मतलब 4x4 है तो रोटावेटर तो चलाते होंगे आप इस पे? रोटावेटर चलता है। कितने फीट का है? 9 फुट का रोटावेटर चलता है। तो जैसे 4x4 अगर मान लिया उसको 2x2 में लगावे और फिर 4x4 में लगावे तो रोटावेटर पे ही परफॉर्मेंस है? नहीं रोटावेटर पे कोई परफॉर्मेंस चेंजेस नहीं है। नहीं जैसे मतलब सपोज करो आप भाई धान लगाने के लिए खेत तैयार करें, उसमें पानी भर गया तब तो फायदा है नहीं? तभी तो फायदा है, गिल्ले में फायदा है या फिर खिंचाई वाले इंप्लीमेंट में 4x4 का फायदा, रोटर में ज्यादा कोई महत्व नहीं होता 4x4 का। हाँ जी हाँ, रोटर में तो पीटीओ पावर का महत्व होता है, पीटीओ पावर का। तो बाकी चलो चला के दिखाओ फिर आप दोनों लीवर एक बार दिखा दूंगा मैं, डाउन कर दिया आप दोनों, तो परफॉर्मेंस देखो दोस्तों ट्रैक्टर की। तो एक बार भाई उधर से ना मैं लीवर दिखा दूं आपको, ये देखो दोस्तों दोनों लीवर ना बिल्कुल नीचे हैं, 1600-1700 RPM है, भैया ने भाई बहुत ही अच्छी जानकारी दी इसके बारे में, और भाई ट्रैक्टर भाई का लोड भी बिल्कुल नहीं ले रहा, मेरा मतलब भाई दब नहीं रहा बिल्कुल भी।
अच्छे हाल है भाई, इसे चलाना कोई आम बात नहीं है। तो भाई धरती में अगर इसकी गहराई की बात करें तो कम से कम 2.5-3 फुट गहरा जा रहा है दोस्तों धरती के अंदर। तो दोस्तों जोर दे यो भाई, नहीं होलैंड 56-20 है, 65 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। जोर देखो दोस्तों ट्रबो है ट्रैक्टर में, और भाई ये देख लो बिल्कुल दोनों लीवर बिल्कुल नीचे के रखे दोस्तों, 5 फाली का हाल है, मिट्टी पलटने वाला है देख लो। और भाई टायरों की पकड़ भी देखो कितनी बढ़िया है भाई, है ना, वेट वेट लगा के बिल्कुल ना फिट कर रखा ट्रैक्टर, और भाई परफॉर्मेंस देखो आप ट्रैक्टर की। तो भाई वाकई में ही दमदार चीज है दोस्तों 56-20 न्यूलैंड। भाई वाह, तो दोस्तों चलता वो भी हो मान लो भाई, आवाज भी बिल्कुल ऐसी जैसे बुलडोजर की आवाज हो भाई। न्यूलैंड 56-20